रियासत कर्नाटका के नामी वक्ली लीडर और सबक प्राइम मिनिस्टर एच डी देवे गौड़ा के बेटे सबक चीफ मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी अपने चाहने वालों में कुमार अन्ना के नाम से शहरत याफ्ता हैं कुमार स्वामी ने दो मरतबा चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम किया है दो हज़ार से दो हज़ार सात तक फिर सन 2018 से सन 2019 तक सियासतदान बनने से पहले वो एक फिल्म मेकर और फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे उन्होंने पहली बार सन 1996 के जनरल इलेक्शन में कनकापुरा लोकसभा सीट से कामयाब होकर सियासत में कदम रखा था फरवरी 2006 से नवंबर 2007 के दरमियान चीफ मिनिस्टर के तौर पर अपने दौर में कुमार स्वामी ने बेशुमार तारीख़ी इकदाम उठाए उन्हें पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियंस के कई करप्शन केसेस को बेनकाब करने के लिए भी जाना जाता है सन 2018 के इंतबात में उन्होंने चन्नपटना और रामनगर दोनों हलकों से बड़ी कामयाबी हासिल की थी को एलिशन हुकूमत के फैसले ने कुमार स्वामी को दोबारा इकतदार में लाया और वो दूसरी बार चीफ मिनिस्टर बनाए गए जुलाई 2019 में बीजेपी की जानिब से किए गए ऑपरेशन कमला की साजिश के बाद एचडी डी कुमार स्वामी को मजबूरन चीफ मिनिस्टर के अहदे से इस्तीफा देना पड़ा और सिक्यूलर हुकूमत इक्तदार से बाहर हो गई चीफ मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने रियासत भर के लाखों किसानों को राहत देते हुए चौंतीस हजार करोड़ रुपए के किसानों के कर्ज की माफी का ऐलान किया था इस बार रियासत में आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए एचडी डी कुमार स्वामी ने पंचरत्न प्रोग्रामों का ऐलान किया है जहां उन्होंने आवाम के लिए कई अहम वादे किए हैं जैसे एलकेजी से बारहवीं क्लास तक हर बच्चे के लिए मुफ्त व आमदा तालीम का वादा किया है हर बीपीएल कार्ड होल्डर का मुफ्त इलाज किया जाएगा किसानों के लिए कर्ज की माफ़ी होगी और खेती का निज़ाम बेहतर किया जाएगा नौजवानों और ख़वान के लिए नौकरियाँ दी जाएंगी और बेघर खानदानों के लिए मुफ्त घर का अहतमाम किया जाएगा